दोस्तों आप लोगों के अंदर बहुत सारे लोग सीआईडी के टीवी शो देखने के लिए बहुत पसंद करते हैं। तो कभी भी आपका मन में एक ख्याल आया क्या सीआईडी बनती कैसी है, सीआईडी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए, एग्जाम कैसा होगा, कौन सा एग्जाम देना होगा, इन सारी कुछ के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपको एक ख्याल आया तो आज की इस वीडियो आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं सीआईडी क्या है। सीआईडी के फुल फॉर्म होती है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जिसको हिंदी में कहती है अपराध जांच विभाग, जिसका शुरुआत 1902 में ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत किया था। और सीआईडी जो होती है वो भारतीय राज्य पुलिस का एक शाखा है। और सीआईडी अधिक संवेदनशील अपराध के लिए जाँच करती है, जैसे रेप, मर्डर, डकैती, चोर, इन सारी मामले में जाँच करती है सीआईडी। अब हम लोग जानेंगे सीआईडी बनने के लिए हम लोगों का अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपको 10th और 12th पास तो जरूर करना है, साथ में आपको ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना हो। ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट कर आप सीआईडी ऑफिसर नहीं बन सकते, तो ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो आप मैं जानूंगा एज जो होना चाहिए वो जनरल के लिए 20 से 27 वर्ष का बीच में होना चाहिए। और उन्होंने इस एग्जाम के लिए 4 बार अटेम्प्ट दे सकती है। उसके बाद ओबीसी के लिए कुछ ज्यादा छूट मिलती है, जैसे ओबीसी के लिए एज में उनका 3 वर्ष का छूट दिया जाती है, वो 20 से 30 वर्ष का बीच में होती है। और उनका जो अटेम्प्ट टाइम है वो 7वीं बार तक अटेम्प्ट दे सकती है। उसके बाद एससी एसटी के लिए भी बहुत ज़्यादा छूट मिलती है। एससी एसटी के लिए 20 से 32 वर्ष तक एग्जाम दे सकती है, और जितनी साल वो एग्जाम दे सकती है उतनी साल वो अटेम्प्ट दे सकती है। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और अपना एज 20 से 32 साल का अंदर है तो आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई कर दो। यूपीएससी एग्जाम के अप्लाई करने के बाद आपको पास जो जो एग्जाम आएगा और किस तरह का पेपर आएगा उनके बारे में हम आप बात करता हूँ। यूपीएससी एग्जाम में पहले आपको लिखित परीक्षा दिया जाती है। लिखित परीक्षा आपको होगा यूपीएससी एग्जाम में, पहले आपको लिखित परीक्षा होगा। और लिखित परीक्षा 2 पेपर का होती है। पेपर नंबर 1, यहाँ पर आपको 200 अंक का प्रश्न पत्र होती है, जो आपको 2 घंटा समय दिया जाती है। अगर आप यहाँ पर कोई भी गलत जवाब लिखी तो आपको 0.25 अंक काट दिया जाती है। और यहाँ पर जो आपको जिस तरफ का क्वेश्चन देती है, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहती है, जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन रहती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहती है, और इंग्लिश का रहती है। पेपर नंबर 2, यहाँ पर आपको 400 अंक का क्वेश्चन पूछी जाती है, जहाँ आपको 4 घंटे का टाइम दिया जाती है। अगर यहाँ पर आप एक भी गलत जवाब लिखी तो आपको 0.50 अंक काट दिया जाती है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन रहती है वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी पर क्वेश्चन रहती है और अंग्रेजी पर क्वेश्चन रहती है। उसके बाद लिखित परीक्षा को कंप्लीट करने के बाद, लिखित परीक्षा में आप अगर सिलेक्ट हो गए तो आपके लिए फिजिकल टेस्ट होती है। वो फिजिकल टेस्ट जो होती है वो आपका लंबाई, छाती, वेट, इन सारी चीज़ को आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार होती है। इंटरव्यू में आपको जीके और रीजनिंग का बहुत सारी क्वेश्चन आपको पूछी जाती है, जहां पर आपको कॉन्फिडेंटली आपको आंसर देना होगा। और ये जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू बहुत वाइटल चीज़ है। और इंटरव्यू में बहुत लोगों को काट छाट किया जाती है, क्योंकि इसलिए कॉन्फिडेंट से आपको आंसर देना होगा इंटरव्यू में। जो बेसिक सा क्वेश्चन पूछी जाती है जनरल नॉलेज का और रीजनिंग का, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछी जाती है, आपको अच्छी तरह से उनको फेस करना है। अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाओगे तो आप सीआईडी ऑफिसर बन जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप सीआईडी ऑफिसर बन जाओगे। उसके बाद हम जान लूँगा सीआईडी का सैलरी कितना है। सीआईडी की जो मिनिमम सैलरी रहती है वो 90,000 से 5,00,000 तक होती है। इसका जो मिनिमम सैलरी इतना होना चाहिए, इसके अंदर सैलरी होना चाहिए। मैं पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नहीं बोलूँगा, इतना अंदर सैलरी होती है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमारे चैनल में अपलोड करता हूँ। थैंक यू।